Okay. हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस एंड दिस इज विक्रम राठौर योर मैथ टीचर। बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एम आई ऑडिबल और विजुअल और नॉट। गुड इवनिंग शिवराज, कृष्णा यादव, मीनाक्षी, गुरपाल, गुड इवनिंग टू एवरी वन। बेटा सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा कि 15 मिनट लेट हो गया, मैं आपको मैसेज मैंने कर दिया था, है ना, मैसेज मैंने आप लोगों को कर दिया था कि 9:45 पर आपकी क्लास लाइव हो जाएगी, तो 15 मिनट लेट हुआ उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, है ना। बट मुझे बताइए सेशन स्टार्ट करने से पहले कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ठीक है, शिवराज बोल रहे हैं, यस सर सब क्लियर है। ओके, चलिए बच्चों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप ग्रुप पर मैसेज डाल सकते हैं कि सेशन जो है वो लाइव हो चुका है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं जैसा मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। डेफिनेटली सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज के सेशन में मैं अगर टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो मैं डिस्कस करने ही वाला हूँ, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और अगर समय बचता है तो बेस थ्योरम भी बेटा आज ही डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो बट उससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चन बच्चों जो है वो एक्सरसाइज 13.2 के रह गए थे, वो क्वेश्चन पहले हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, उसके बाद टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आज के सेशन में ही डिस्कस करने वाला हूं, और अगर समय बचता है तो बेस थ्योरम को भी बेटा आज के सेशन में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी, है ना, इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी, इसका मीनिंग समझिए, अलग अलग दो बच्चे हैं ए और बी, है ना, ए और बी दो अलग अलग बच्चे हैं, वो अलग अलग ट्राई कर रहे हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और उनको सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी, यानी कि अगर ए सॉल्व करता है उसकी प्रॉबिलिटी 1/2 और बी सॉल्व करता है उसकी प्रॉबिलिटी 1/3 है, और इसमें इंपोर्टेंटली आप ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मिलकर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम एक ही है, अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए को सॉल्व करने की जो इवेंट होगी, ठीक है ना, वो और बी को सॉल्व करने की जो इवेंट होगी, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए अपना अलग से ले जाकर सॉल्व कर रहे हैं, बी अलग से ले जाकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ए सॉल्व कर लेता है, इसका इफेक्ट बी पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बी को पता ही नहीं है, वो अपनी कहानी अलग कर रहा है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व अलग से कर रहा है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वाली स्टोरी है ना, इसको बेटा बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, कि इवेंट्स हम जो ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या फिर नहीं है। और अगर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आप यूज कर रहे हो, है ना, और उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो आप समझिए जरा। और अच्छा, इसके साथ साथ हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना, क्या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो वह है क्या कि दोनों बच्चे साइमल्टेनियसली नहीं एक साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यस और नो, इस बात को समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली तो कर रहे हैं लेकिन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि उसी समय ए भी कर रहे हैं और उसी समय बी भी कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली नहीं इवेंट, मतलब जो फर्स्ट इवेंट होगी वो क्या होगी, प्रॉब्लम इज सॉल्विंग बाय ए, सेकंड इवेंट होगी प्रॉब्लम इज सॉल्विंग बाय बी। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं या फिर उसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अभी क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं यहाँ पर चीजों को। फिर लिखा हुआ है, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पॉसिबल केसेस की बात करूं, है ना, तो दो ही केसेस होते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी इवेंट को होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है, ये सभी लोग जानते हैं। मैंने कहा जी यहां पर समझिए जरा, जैसे प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, अगर मैं कहूं इस बात को समझ लीजिएगा, पी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्या इस बात को आप समझ रहे हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड प्लस पी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, इसकी प्रॉबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। अब हम इस पर भी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अब मुझे P प्रॉब्लम इज सॉल्व की प्रॉबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम इज सॉल्व की अगर प्रॉबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा बेटा चीजों को, प्रॉब्लम इज सॉल्व इसकी अगर मुझे प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो क्या हम 1 - P प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अब ऐसा भी मैंने क्यों लिखा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो इसमें हम बड़ी आसानी से ये बात बोल सकते हैं कि ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई और बी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, तभी तो हम बोलेंगे प्रॉब्लम इज सॉल्व नॉट सॉल्व, यस और नो। बिल्कुल, अभी प्रॉबिलिटी को साइड से रख दीजिएगा, जनरल वे में सोचिएगा, ठीक है ना, प्रॉबिलिटी को रखिए साइड में, हम जनरल वे में अप्रोच करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, तो इस मींस इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम ए ने भी सॉल्व नहीं करी है और बी ने भी सॉल्व नहीं करी हुई है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो इसमें पॉसिबल केसेस क्या होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है,
ए ने की है बट बी ने नहीं करी है, ऐसा हो सकता है, बी ने की हो ए ने ना की हो, ऐसा भी हो सकता है, है ना, या ए और बी दोनों ने सॉल्व कर लिया है, ये भी हो सकता है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम इज सॉल्व में केसेस ज्यादा बनेंगे अगर मैं इसको इंडिविजुअल सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, कि ए ने किया बी ने नहीं किया, या बी ने किया ए ने नहीं किया, या ए और बी दोनों ने कर दिया, तो इसमें केसेस ज्यादा बन रहे हैं, तीन तीन केसेस जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, तो क्लियर है, ए ने भी नहीं किया बी ने भी नहीं किया, ऐसा होगा ही नहीं, यानी कि सिर्फ एक केस बन रहा है। तो बजाय इसके कि मैं यहां पर प्रॉब्लम इज सॉल्व को अलग से सॉल्व करूं, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और वन माइनस यहां पे जो भी हम यहां पर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व के लिए जो केसेस यहां पर बनाएंगे, प्रॉबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, वो यहां पर कर देंगे, काम खत्म। बेटा क्या ये बात समझ में आ रही ना, मैंने पूरे सैंपल स्पेस को, है ना, पूरे सैंपल स्पेस को दो पार्ट में तोड़ दिया है, यस और नो, यानी प्रॉब्लम इज सॉल्व और प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। और क्लास 10 से भी आप ये बात जानते हैं, क्लास 11 से भी ये बात जानते हैं कि किसी भी इवेंट को होने और ना होने, किसी भी सैंपल स्पेस को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे मैं इस बात को और थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा भैया जैसे कोई भी एक डाई को हमने थ्रो किया और ये सैंपल स्पेस हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना, तो मैं जैसे क्या कर सकता हूं सैंपल स्पेस को, मैंने कहा गेटिंग टू, ठीक है ना, गेटिंग टू एक हमारी कोई इवेंट है कि गेटिंग टू, ठीक है, ये भी कोई एक इवेंट है, तो नॉट गेटिंग टू, ठीक है ना, दूसरी इवेंट हम ले लेंगे, और इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों से पूरा सैंपल स्पेस कवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, गेटिंग टू में हमारा ये वाला आएगा, नॉट गेटिंग टू में ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये बात आपको बहुत आसानी से समझनी है कि एक तो जो इवेंट होती है गेटिंग, मतलब गेटिंग टू और नॉट गेटिंग टू, है ना, ये एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, इसमें कोई भी, ठीक है, कॉमन एलिमेंट नहीं होता, साथ साथ ही म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव भी होती हैं, क्योंकि इनका यूनियन हमेशा ऐसा बनता है कि क्लास 11 से इस पॉइंट को समझिएगा आप लोग, है ना, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। तो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों इवेंट का सम हमारा जो होगा वो क्या होगा, वन होगा, इस बात को आपको समझना है बेटा, ठीक है ना, क्या ये पॉइंट क्लियर है आपका या नहीं है, ठीक है ना, यहां पर ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। प्रॉब्लम इज सॉल्व को हम कैसे करेंगे, वन माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व हमारे लिए ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम इज सॉल्व में बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है ना, कि ए ने किया बी ने नहीं किया, बी ने किया ए ने नहीं किया, ए और बी दोनों ने कर दिया, ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन जबकि हम प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की बात करें तो ए ने भी नहीं किया बी ने भी नहीं किया, खत्म काम, नॉट ए नॉट बी, सीधा सीधा केस हमारा बनेगा, तो एक ही केस बन रहा है। तो हम प्रॉब्लम इज नॉट, प्रॉब्लम इज सॉल्व को वन माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व करके निकालेंगे। बेटा यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो आपको तो मुझे जल्दी बताइए, मैं आगे की तरफ चलता हूं, ठीक है ना। अभी हम कैसे कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं अप्रोच कर रहा था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम नहीं करना चाहते वन माइनस, तो क्या उससे सॉल्व, फिर दोनों तरीके से होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट करते हैं बेटा, लेट एक हमने इवेंट ए मानी, ठीक है ना, ए इवेंट है, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए, ठीक है ना, ए, और बी इवेंट हमने यहां पर कंसिडर करी है, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई बी, मैंने ए और बी नाम ही डाल दिया, आसान रहेगा हमें समझने में, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम ये बात बोल सकते हैं, पी ए इक्वल टू वन अपॉन टू एंड पी बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ये गिवन है। अच्छा, साथ साथ यहां पर पी ए डैश बी निकालिए आप, ठीक है, नॉट ए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट ए, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू, या फिर इसको आप बोलते हैं यहां पर वन माइनस पी ए, तो 1 माइनस वन अपॉन टू यानी कि 1 अपॉन टू। साथ साथ यहां पर हम क्या करेंगे, P नॉट V भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, नॉट V, इनकी सबकी रिक्वायरमेंट रहेगी इसलिए मैं पहले से ही फाइंड आउट कर ले रहा हूं। नॉट V का मतलब P B डैश B बार भी बोलते हैं, एक ही मतलब होता है, 1 माइनस पी बी और ये 1 माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है, अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं करा है। साथ साथ नोट करके ये भी ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है ना, ध्यान से रखिए कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बेटा इसका, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये ध्यान रखिएगा स्पेशली, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब हम कैसे कर रहे हैं, पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, पहले वाले पार्ट की, हमने कहा पी प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। पहले बच्चों मुझे ये बताइए, ये सारी जो चीजें लिखी हैं वो क्लियर है ना आपके पास, मैंने पी ए इक्वल टू वन अपॉइंट टू लिखा, पी बी इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री लिखा, पी नॉट ए यानी ए डैश इक्वल टू वन माइनस पी ए यानी कि वन माइनस वन अपॉइंट टू लिखा, ठीक है, पी बी नॉट यानी पी बी डैश लिखा यहां पर, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर है ना। ए एंड बी जो इवेंट्स हैं,
है ना, क्योंकि ये जो इवेंट है प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए और प्रॉब्लम इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना, बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, है ना, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई हैं ये बच्चों, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन में, है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ये क्लियर हुआ ना पॉइंट। अब हम इसको कैसे कर रहे हैं, वन माइनस पी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन माइनस पी, अब दो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहला और दूसरा, तो पहले वाले ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, यानी कि ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, जिसको नॉट ए लिख सकते हो, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर हम बात करें बेटा हम ए डैश लिखते हैं, ठीक है, नॉट ए मतलब कि ए डैश और बी डैश, या बीच में हम इंटरसेक्शन भी लगा सकते हैं, एक ही मतलब होता है, ये मैंने जब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम सिखाई थी, ठीक है ना, ए ने भी नहीं की और बी ने भी नहीं करी, और दोनों एक साथ सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम थोड़ा सा फील करिए चीजों को बेटा, ठीक है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये लिख सकते हैं, एक ही बात है, है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है, ठीक है ना, यानी कि जैसे हम ए और बी के लिए डील करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ, उसी तरह ए डैश और बी डैश के साथ भी डील कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन मतलब इंटू पी बी डैश, रीजन यही है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट, इनकी वैल्यू हमें प्यारे बच्चों पता है, ठीक है, वैल्यू हम रख रहे हैं यहां पर इक्वल टू वन माइनस पी ए डैश, तो हमारा 1/2 है और ये 2/3 है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना, 2/3, तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो 1 माइनस 1/3 डेफिनेटली हमारा 2/3, ये आंसर आ गया। अब मान लो यार किसी बच्चे को, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप सामने आ जाते हैं जल्दी से चेंज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं, कल एक बच्चा मुझसे कमेंट करके कह रहा था, ठीक है ना, वीडियो में कमेंट किया था, बोले सर सामने से हट जाया करिए, हो सकता है रिकॉर्डेड सेशन वो बच्चा देखता है, जिससे हम स्क्रीनशॉट ले लिया करें, थोड़ा सा समय दिया करिए, है ना, तो मैं समय भी दे रहा हूं यहां पर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर ये सारे नोट्स आपको एडिटेज मिल जाने वाले हैं, ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा हो जो कि कहे नहीं सर हम 1 माइनस नहीं करना चाहते हैं, हम सीधा सीधा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सारे के सारे केस लेना चाहते हैं, तो क्या उससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, वहां पर, ठीक है ना, अल्टरनेट मेथड, ये भी बच्चों आपको अल्टरनेट मेथड चाहिए क्या, मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, क्या अल्टरनेट मेथड, हम 1 माइनस नहीं करना चाहते हैं, हम 1 माइनस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो क्या इसको किया जा सकता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अल्टरनेट वे भी आप इसका बता दीजिए और उस तरीके से भी हमें सॉल्व करके दिखाइए कैसे होगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, बट मुझसे आप कहिए कि सर हमें पूछना है आपसे, ठीक है ना, आपको जानना है, अगर ये आप कहेंगे तो फिर मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं सर एक मेथड बहुत है हमने तो पता कर लिया है, ठीक है ना, हमारा आंसर आ गया है अब हमें आगे नहीं जाना है, तो फिर हम सेकेंड पार्ट की तरफ चल सकते हैं इसके। कमेंट करते रहिए सक्षम राठौर जी, है ना, ठीक है बच्चों, चले हम भाई अल्टरनेट वे की तरफ, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं मुझे, सक्षम राठौर जी कह रहे हैं सर बता दीजिए, ठीक है ना, सक्षम राठौर जी की डिमांड आई है, बाकी और किसी बच्चे की डिमांड नहीं आ रही है, ठीक है ना, आप कहेंगे सर 9:30-10 बजने वाले हैं सर आप हमें सोने नहीं दे रहे हैं अभी भी, ठीक है ना, सोने के बहुत मौके चांसेस मिलेंगे, है ना, सोने के बहुत मौके चांसेस, अभी हमें लग जाना है क्लास 12th के लिए, ठीक है ना, स्कोर करना है मैथ में 100 out of 100, बच्चे लेकर भी आते हैं आपको पता है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ बच्चे ने 100 में से 100 स्कोर किए हैं क्लास 12th में, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, अगर कोई एक भी बच्चा पूछना चाहता है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, है ना, यहाँ पर अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट मेथड में हमने कहा पी प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, इसमें हमने कहा, तो देखो जरा हमने मान लिया ए ने किया बट बी ने नहीं किया, ए बट नॉट बी, इसको कैसे लिखेंगे, ए बट नॉट बी को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, ए और बी दोनों साथ में है ना, साइमल्टेनियसली हैपेंड इवेंट्स है ना, तो इंटरसेक्शन लगा के लिखेंगे, ठीक है, ए ने किया बट बी ने नहीं किया, या का मतलब होता है प्लस, ठीक है, ए ने नहीं किया लेकिन बी ने कर लिया, तो भी प्रॉब्लम इज सॉल्व होगी, प्रॉब्लम तो तब भी सॉल्व हो रही ना हमारी, या ए और बी दोनों ने कर लिया, बिकॉज हमारी ए और बी
ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो वी कैन राइट पी ए इंटू पी वी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दैट्स वाई हम ऐसे लिख पा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हम ऐसे लिख पा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ये चलेगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर वैल्यू पी ए की वैल्यू 1/2 है और पी बी की आई थिंक 2/3 है ना, पी बी डैश देख लो 2/3 प्लस पी ए डैश भी हमारा 1/2 है ना, पी बी की अगर हम बात करेंगे तो 1/3 है प्लस पी ए हमारा 1/2 है और ये 1/3 है, ठीक है ना, तो एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 तो 6 हमने एलसीएम लिया, तो ये 2 + 1 + 1 ऐसे कर सकते हैं बेटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4/6 और 4/6 का मतलब देखिए 2/3, यही आंसर हमारा पहले भी आ रहा था, देखिए जरा, तो ये भी एक तरीका, कोई डाउट है तो बोलिए बच्चों, कोई डाउट है तो बोलिए यहां पर, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आसान सी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है ना, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो लोग लगे हुए हैं काम करने में दो लोग, अगर मोर देन वन इवेंट्स है ना, तो हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर, तो दैट्स वाई, ठीक है, सारी चीजें होता क्या कि धीमे धीमे जब चीजों को सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप से रियलाइज हो जाएगा कि हमें ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस से बनेगा। तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी, ये देखिए जरा यहाँ पर पी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ देम ठीक है सॉल्व, अब एक ही करता है, एक ही करेगा, दो नहीं करेंगे, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये तो ऐसा हो सकता है कि ए कर दे भाई और बी ना कर पाए, ठीक है, या फिर ए ना कर पाए और बी कर दे, यही हुआ ना बेटा, इसके अलावा तीसरा कोई केस तो बनेगा ही नहीं, ए बट नॉट बी या फिर बी बट नॉट ए, ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको हम, बहुत सिंपल तरीका बेटा, आप कमेंट भी मुझे करते जाइए क्या ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, बहुत आसान सी भाषा में बता रहा हूँ, चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बिकॉज, तो वी कैन राइट पी ए, अभी अभी हमने लिखा भी था पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, पी ए 1/2 पी बी आपका 2/3 है ना, पी बी डैश प्लस ये पी ए डैश हमारा 1/2 और ये हमारा 1/3, ठीक है ना, तो 6 एलसीएम इसमें भी हो गया आपका, ठीक है, 6 एलसीएम इसमें भी हो गया, ठीक है, तो 6 एलसीएम हुआ प्यारे बच्चों, ये हमारा तो 2+1 होने वाले जो कि 3/6 यानी कि 1/2, यही हमारा आंसर है, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है भाई अदिति भदौरिया जी, है ना, ठीक है ना, सारा का सारा बिल्कुल सिंपल वे है, मैं करा रहे हैं चीजों को, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चल सकते हैं भाई, आप लोगों का आदेश हो तो आगे कराएं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले बेटा, ठीक है ना, आप लोगों का अगर आदेश है, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एक्सप्लेन, ठीक है ना, वो करना आपको खुद ही है, मैं नहीं बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है ना, यहां पर E और F दिया हुआ है, इसमें हमें ये बताना है कि फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स E एंड F इंडिपेंडेंट और नॉट, है ना, E और F इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो देखो E और F दे रखे, E है आपका स्पेड, ठीक है ना, और S द कार्ड ऑफ स्पेड, तो E इंटरसेक्शन F देखो जरा, मैं बोल रहा हूँ कि E जो है वो कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड और F जो है कार्ड ड्रॉन इज एन S, तो E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है, यही कॉमन हुआ ना इसका, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, मैं फिर इसी केस में बता दे रहा हूँ, पी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, स्पेड हमारे 32 तो होते हैं और ये 52, तो 1/4 हो गया, पी एफ की अगर हम बात करते हैं, एस हमारे, ठीक है ना, एस कार्ड एंड एस 4 होते हैं, टोटल 52, तो 1/13, पी ई इंटरसेक्शन एफ की अगर हम बात करते हैं, मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है, ई इंटरसेक्शन एफ में एस ऑफ स्पेड एक ही होता है, 1/52, ठीक है ना, हमें चेक करना है, ये समझ में आ रहा है सभी को, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसे करा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहे हैं, E और F इवेंट दे रखे हैं, हम E इंटरसेक्शन F निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें PE, PF और PE इंटरसेक्शन F निकालना है, एंड वी विल चेक दैट कि PE into PF आपका PE इंटरसेक्शन F के इक्वल है या नहीं है, अगर है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं होगा, बस इतना सा काम करना होता है, ठीक है ना, तो यहां पर therefore
हम पी इंटू पी एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, पी इंटू पी एफ हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13 जो कि 1/52 है, और 1/52 का मतलब ये आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ है। अगर पी इंटू पी एफ पी इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आता है देन वी कैन से दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों पार्ट बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। अविनाश निगम जी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्लैरिटी के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए आपके व्यूज क्या है, सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है ना। मुझे तो यहां से पता नहीं लग पाता है ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। यहां पर क्लियर है पॉइंट बेटा, है ना। यहां पर जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अविनाश निगम जी जो है वो स्टूडियो सेटअप का इनका बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना। मीडिया वगैरह के भी जो न्यूज चैनल होते हैं उनके भी स्टूडियो सेटअप वगैरह ये करते हैं, और बहुत अच्छा काम है, बहुत हेल्पफुल है, और हमारी इन्होंने काफ़ी हेल्प की है, ठीक है ना। डिजिटल पैनल जो आप लोग देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में जो मैंने लगवाया है ना, वो कहीं डिजिटल पैनल अरेंज नहीं हो पा रहा था, मैंने आपको बताया भी था, तो अविनाश निगम जी ने हमारी हेल्प की थी उसमें, उस डिजिटल पैनल को सेट जो भी अरेंज करने में, ठीक है ना। और मिनिमम टाइम में इन्होंने हमें अवेलेबल करा दिया था, बहुत ही बढ़िया पर्सन है और हेल्पफुल भी हैं। और अभी और भी थोड़ा सा काम कराने वाला हूँ उसमें, जो साउंड सिस्टम है हमारा, और उसके अलावा जो घर पे सेटअप है उसमें भी एकॉस्टिक सीट वगैरह का काम होना है, वो भी अविनाश निगम जी के थ्रू ही हमारा होने वाला है, और बहुत जल्दी करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। ओके चलिए, हम लोग ये दोनों होमवर्क में रहेंगे आपके पार्ट, ठीक है ना, होमवर्क में रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आराम से करिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, है ना। ये भी बहुत, देखिए परसेंटेज जो होता है वो अपने आप में प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे मैंने लिखा कोई भी चीज है जिसकी परसेंटेज 60 है, जैसे ही आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जो भी आपका है 3/5, ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। तो परसेंटेज जो होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर लौट कर, ठीक है ना। ये तो मैंने यहाँ पर एक बात आपको बताई, आगे चलते हैं। इन्होंने बोला इन अ होस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज पेपर, ठीक है ना, और 20% रीड हिंदी और इंग्लिश बोथ न्यूज पेपर, ठीक है ना। ऐसे इन्होंने दिया हुआ है डेटा हमें यहाँ पर, ठीक है। वीडियो भी अच्छा है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी रिप्लाई करने के लिए, वीडियो भी अच्छा आ रहा है, दैट्स गुड। चीजें सीखता जा रहा हूँ बस धीमे धीमे। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि किसी भी काम को अगर करना है, ठीक है, तो डे फर्स्ट से तो बहुत सारी एकदम से बढ़िया चीजें नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिनिशिंग आ ही जाती है चीजों की, ठीक है ना। तो अभी डिजिटल पैनल को यूज करना अभी भी हम सीख ही रहे हैं सारा का सारा, और जो भी कमियां होती हैं उस पर हम लोग काम करते जाते हैं कि क्लैरिटी कैसे बढ़ेगी, साउंड सिस्टम कैसा रहेगा, वो सब कुछ, और बाकी टेक्निकली हेल्प सारी की सारी अविनाश निगम जी रहते हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती है, ठीक है ना। चलते हैं यहां पर। तो सबसे पहले जो हिंदी न्यूज़पेपर है ना ये जो इवेंट है इसको हम लेट कर रहे हैं, लेट एच, ठीक है ना। तो लिखेंगे इन अ होस्टल स्टूडेंट, ए स्टूडेंट या स्टूडेंट एक ही बात है, ए स्टूडेंट, ठीक है ना, रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मैंने एच इसलिए लिखा हुआ एच फॉर हिंदी हो जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको, हिंदी न्यूज़पेपर, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एच का मतलब हिंदी रूट पेपर को रीड करता है, ठीक है। ई हमने लेट किया यहां पर, ठीक है ना, ए स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, आपको 60% जो पर्सन है, ठीक है ना, वो कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो ये जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हिंदी पढ़ने वाले, ठीक है ना, हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी यहां पर होने वाली है, ठीक है ना। यस और नो बच्चों, तो यहां पर क्या हम 3/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ई की बात करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पीई की, ठीक है ना, तो ये आपको 40% दिया हुआ है ना, 40%, तो 40/100 यानी कि 2/5। और यहां पर इसी तरह से दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, एच इंटरसेक्शन ई, ये 20% दे रखा है, ठीक है ना। तो 20/100 इक्वल टू 1/5। प्यारे बच्चों यहां पर मुझे ये बताइए कि कहीं कोई प्रॉब्लम अगर है, ठीक है ना, यहां पर वैल्यू लिखने में, समझने में, मोस्ट वेलकम अविनाश निगम जी, ठीक है ना, मोस्ट वेलकम। आप पर्सन बहुत बढ़िया है, हेल्पफुल है, तो इसीलिए आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं हम लोग,
है ना। तो यहां पर बेटा, यहां पर एच ई और एच इंटरसेक्शन ई यहां पर हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज लिखी, अभी तो हमने क्वेश्चन टच भी नहीं करा, ठीक है ना। हम सॉल्व करने की तरफ, यानी जो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है उसकी तरफ हम चले भी नहीं है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दी थी उस इन्फॉर्मेशन को हमने अपडेट करके अपने लिए, ठीक है ना, अपने यूज के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया जैसे हमें जरूरत है बेटा, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर फाइंड द प्रॉपर्टी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या बच्चों, आपको ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा ना तो हिंदी पेपर पढ़ता है और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है ना, कोई भी स्टूडेंट, यानी हमें एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो स्टूडेंट नाइदर रीड हिंदी न्यूज़पेपर और नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे अगर हम नोटेशन फॉर्म में लिखें बच्चों, ठीक है ना। फिर से मैं देखो इस तरह बता देता हूं, अगर हमें इसी इंफॉर्मेशन को नोटेशन फॉर्म में लिखना हो कि भाई क्या पूछा गया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नाइदर हिंदी डैश लगाते हैं ना और इंटरसेक्शन नॉर इंग्लिश, कितने बच्चों को यह बात पता है। अच्छा इसके साथ साथ, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, अभी पिछला वाला क्वेश्चन करके आए हुए हैं, तो पिछला वाला क्वेश्चन जब करके आए हुए हैं तो वो इसको तुरंत ऐसे लिखेंगे एच डैश इंटू पी डैश, क्या ये सही है, क्या ये सही है पी एच डैश और पी ई डैश लिखना। ऐसा हम तभी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों जब एच और ई इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, एच और ई क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो इसमें तो हम नहीं बोल सकते कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, है ना। इस बात का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसा लिखना गलत होगा, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और हम इन्फॉर्मेशन को पढ़ के समझ भी नहीं पा रहे कि है या नहीं है, तो फिर हम ये काम नहीं करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं क्या, क्या हम इस डैश को बाहर ले सकते हैं, ठीक है, क्या इस डैश को बाहर लिया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे ही हम डैश को बाहर लेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो ये इंटरसेक्शन हमारे यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यूनियन में कन्वर्ट होने वाला है। और अगर ये यूनियन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना, तो वी कैन राइट वन माइनस पी, ठीक है, क्योंकि एच यूनियन ये भी एक इवेंट है, और डैश लिखने का मतलब क्या होता है, डैश लिखने का मतलब है नॉट दैट इवेंट, ठीक है ना, नॉट दैट इवेंट। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि एच यूनियन ई को अभी मैंने थोड़ी देर के लिए एफ मान लिया, ठीक है ना, एफ मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ डैश हुआ, तो पी एफ डैश को वन माइनस पी एफ लिख सकते हैं, और F को अगर हम फिर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, H यूनियन E के साथ, तो देखो यही बना ना आपका, यस और नो, ठीक है ना। तो मैं यही बात बोल रहा हूं, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर और 1 माइनस P H यूनियन E को, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेट्स हमने बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आसानी से लिख सकते हैं पी एच प्लस पी माइनस पी एच इंटरसेक्शन E, ठीक है ना, ये हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वही हमने लिखा हुआ है। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था आपको, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहले भी कई क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो एच हमारे पास कितना है भैया, थ्री अपॉन फाइव, ठीक है ना, ई कितना है, टू अपॉन फाइव, यही ना, ठीक है ना, और ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, वन अपॉन फाइव, तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं वन माइनस थ्री टू फाइव, यानी फोर अपॉन फाइव, और जिसको हम बड़ी आसानी से वन अपॉन फाइव लिख सकते हैं, ठीक है ना। यार क्या क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से देखो हम लोगों ने उड़ा दिया क्वेश्चन, मुश्किल है क्या बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट करके यहां पर बताते रहिए, ठीक है ना। बहुत आसान करके मैं क्वेश्चन को यहां पर कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है ना, आसान सी भाषा यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, जो चीजें आप जानते हो वहीं से कनेक्ट कर रहा हूं सारी की सारी चीजों को, और कहीं कोई प्रॉब्लम तो बताइए। मैं साइड में आ गया हूं, स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहता है ले सकता है ना, इसके साथ साथ ये भी और ये भी, और फिर मुझे कमेंट करके आप बताइए यहां पर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी हम लोग चलेंगे अभी, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सॉरी, नेक्स्ट इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये पता है कि हिंदी न्यूज़पेपर कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बच्चों ये बताइए मुझे, क्या इस सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट को, अगर आपको ये पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये गिवन है, और इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी बता दी, तो ये क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी क्या, क्या हम पीई ऑब्लिक एच या पीई अपॉन एच लिख सकते हैं बच्चों या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर, है ना, जो हमें फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर चीजें हमें फाइंड करना है, सेकंड पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं, पी ई अपॉन एच, जिसको हम बड़ी आसानी से बेटा पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, और ये दोनों ही प्रॉबिलिटी हमें बड़े प्यार से पता है, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ ये वन अपॉन फाइव है, चेक कर सकते हैं, और पी एच हमारा आई थिंक थ्री अपॉन फाइव है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, वन अपॉन थ्री, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा जल्दी करा लिया। जल्दी कराने से मतलब सिर्फ इतना, जब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं तो समय देने का क्या मतलब बनता है ना, बड़ी आसानी से बन गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसी में, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज पेपर है ना, ये गिवन है, उल्टा है ठीक इसमें, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज पेपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, है ना, हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये गिवन है कि स्टूडेंट इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ता है, ये गिवन। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, पी एच अपॉन ई फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में, ठीक है ना, पी एच अपॉन ई ये फाइंड आउट करना है। तो वी कैन राइट पी एच इंटरसेक्शन ई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेटा फॉर्मूला हमें पता है, अपॉन पी। तो एच इंटरसेक्शन ई हमारे पास 1/5 है और ये 2/5 है, ठीक है ना, तो ये 1/2 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन गया हमारा, कहीं कोई डाउट है बताइए। मैं कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं, इवन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड वंस, ठीक है ना, पेयर ऑफ डाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पेयर ऑफ डाइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, है ना, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए दोनों डाई पर। अच्छा पेयर ऑफ डाइस है तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल आउटकम्स हम 36 लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है 36 टोटल आउटकम्स हमारे 36 होंगे पेयर ऑफ डाइस, और दोनों डाइस पर इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होता है ना। फेवरेबल जो आपका होगा यहां पर, फेवरेबल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सिर्फ एक ही होगा, यानी पहली डाइस पर भी 2 और दूसरी पर भी 2, तो ये एक ही तो होगा या, दोनों डाइस पर इवन प्राइम नंबर है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो 1, यानी फेवरेबल में सिर्फ एक ही आउटकम है, टोटल 36 है, तो 1/36 होने वाला है, ठीक है ना, कमेंट भी करते रहिए भाई। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी होगी, ठीक है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/36, बड़ी आसानी से हम 1/36 यानी ये टिक कर सकते हैं, है ना, बड़ी आसानी से, ठीक है बेटो। कमेंट भी करते रहिए, यहाँ पर क्लियर हो रही है सारी चीजें, जिससे मुझे पता लगता रहे कि हाँ बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को कराने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग बेटा, है ना। इसमें लिखा हो टू इवेंट्स ए एंड बी, बी इंडिपेंडेंट, ठीक है भैया लिख दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एंड तो अब इसमें पूछा गया इफ कंडीशन, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इंडिपेंडेंट होती, बिल्कुल नहीं है। ये तो मैंने आपको लिखवाया भी था, ठीक है ना, लिखवाया भी था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डू नॉट हैव द सेम मीनिंग, ठीक है ना, ये दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है बच्चों, है ना, पता है, सिखाया था या नहीं सिखाया था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला पी ए डैश बी डैश इक्वल टू 1-, अच्छा ठीक है भाई इस पर भी हम बात कर ले रहे हैं। इन्होंने बोला ए डैश और बी डैश, इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है ना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है ना, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगी, और अगर ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट होगी तो वी कैन राइट इन सच अ वे, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इन सच अ वे ए बी डैश, ए डैश बी डैश का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, मैंने यहां पे लिख दिया, और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है देन वी कैन से दैट ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, तो फिर हम इनटू लगा सकते हैं इस तरह से, ये हमारी थ्योरम है। और 1-, पी ए डैश को हम 1-, पी ए लिखते हैं, मतलब पी ए डैश को 1-, पी ए, और इसको 1-, पी बी, और ये ही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी ये वैल्यू आ रही है, तो ये तो सही लिखा हुआ है ना, पी ए इक्वल टू पी बी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है, तो पी ए इक्वल टू पी बी थोड़ी ना हो सकता है, है ना, और एक ही ऑप्शन सही है वो गया, और पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 बिल्कुल गलत, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगी तो दोनों का सम 1 क्यों होने लगा, है ना, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, सम हम तभी लेते हैं नॉट ए और मतलब एक इवेंट ई और एक नॉट ई, तो सम 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 नहीं होता, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, वी ऑप्शन सही होने वाला है, इसका ये मैंने आपको सोल्यूशन यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया यहां पर बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया हमारा, ठीक है ना, एक्सरसाइज 13.1 के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब हम यहां पर आने वाले हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर। इसको बड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझिए, हम बड़े आराम से आपको चीजें करेंगे। मैंने कहा हमारे पास कोई एक बॉक्स है ये, ठीक है, ये कोई हमारे पास बॉक्स है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। मैंने कहा जी इसमें 6 रेड वॉल है और 2 ब्लैक वॉल है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर
पहले समझिएगा, मैं एकदम से कॉन्सेप्ट में एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है ना, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाने वाला हूँ और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर 6 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और मैं आपसे कहूं कि चलो ठीक है आपको प्रॉबिलिटी निकालनी है ए रेड बॉल की, ठीक है, ए रेड बॉल की प्रॉबिलिटी निकालनी है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या होगी? ठीक है, ए रेड बॉल की प्रॉबिलिटी निकालनी है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या होगी? वी हैव अ बॉक्स, ठीक है ना, इन विच देयर आर 6 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, ठीक है ना, एक रेड बॉल हम इसमें मतलब एक बॉल निकालते हैं और वो बॉल हमारी रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, मुझे आंसर बताएगा कोई भी बच्चा बेटा? कैन एनी वन एक्सप्लेन इट, क्या कोई भी बच्चा इसको एक्सप्लेन कर सकता है? है भाई कोई धुरंधर यहां पर ऐसा जो बता पाए हमें? ठीक है ना, 1/4 सक्षम राठौर जी, ठीक है ना, सक्षम राठौर जी कह रहे हैं 1/4, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं रेड बॉल कितनी है भैया? 6 है ना, और टोटल बॉल्स कितनी है? 8 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, ठीक है भाई सक्षम राठौर जी, बट चलिए आपने प्रयास किया बहुत अच्छी बात है। 6 रेड है भाई, 6 रेड बॉल है, तो 6 upon total balls 8 है, 1/4 क्यों बता रहे हो भाई? सक्षम राठौर जी भी बता रहे हैं 1/4, अदिति भदौरिया भी, मैं सही बोल रहा हूँ ना भाई? हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है? 6 है, टोटल बॉल्स कितनी है? 8 है, तो 6 upon 8 होगा ना, 3/4, 1/4 क्यों लिख रहे हो आप लोग? मुझे समझ में नहीं आया भाई आपके आंसर्स, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए, क्या बेटा क्लियर है ये पॉइंट हमारा? ठीक है, ऋतिक यादव कह रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ब्लैक की बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझ गया ना इस बात को, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदलता हूं। अब मैंने कहा कि हमारे पास 3 बॉक्स हैं, या बॉक्स 2 है या 3, 2 ले लिए हमने यहां पर, ठीक है ना, एक बॉक्स नंबर 1, ठीक है ना, एक दूसरा बॉक्स लिया बॉक्स नंबर 2, ठीक है, और एक तीसरा बॉक्स ले लिया बॉक्स नंबर 3, ठीक है, ये 3 बॉक्स लिए यहां पर, ओके, जिसमें हमने मान लिया कि पहले वाले में जो 6 रेड और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, और एक में 7 रेड, ठीक है, और 1 ब्लैक बॉल है, ये 3 बॉक्स हैं, बॉक्स नंबर 1, ठीक है ना, बॉक्स नंबर 2, ठीक है, बॉक्स नंबर 3, यस और नो, यस और नो, और हमें जो प्रॉबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है पी ए रेड बॉल की, ठीक है, अब हम एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, पी आर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम लोग यहां पर निकालना चाह रहे हैं, यस और नो, जल्दी से मुझे बताइए यहां पर। अब कितने बच्चे आंसर देंगे, कितने बच्चे आंसर देंगे? वी हैव 3 बॉक्स है ना, बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, बॉक्स थर्ड, इसके अंदर रेड और ब्लैक बॉल्स है हमारी। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी, हमने एक बॉल ड्रॉ की है ना, और वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है, जो भी बेटा, जो भी आपके मन में आ रहा है बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, सर कंफ्यूजन है, ये तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन हो गया, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, अभी सारी प्रॉब्लम्स का हम समाधान करेंगे यहां पर, ठीक है ना। जब बॉक्स हमारे पास 1 था तो हमने बड़ी आसानी से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दी है ना, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बॉक्स तो यार 3 हो गए, बॉक्स हमारे क्या हुए हैं? 3 हो गए हैं। अब हम कैसे भाई ये निकालना है, ये फाइंड करना है, ये हमारा रिजल्ट है, इसको रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या नाम हम दे रहे हैं? ये रिजल्ट, ये हमें फाइंड आउट कर रहा है भाई, ये रिजल्ट जो है ये फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा, ठीक है, ये रेड बॉल की प्रॉबिलिटी। कैन एनी वन एक्सप्लेन इट बेटा, क्या कोई बच्चा बता सकता है? नहीं बता सकता है, कोई बात नहीं है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि एक बॉक्स था तब तक तो चीजें बहुत बढ़िया थी, ठीक है, लेकिन जब बॉक्स 3 हो गए या एक से ज्यादा बॉक्सेस जब हमारे पास आए तो यार बड़ा कंफ्यूजन है कि किसमें से निकालें भाई, किसमें से निकालें। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, है ना, एक बात बताइए, चीजों को ध्यान से समझिएगा, ये बात क्लियर है कि सर पहले बॉक्स तो बताओ हमें, ठीक है ना। सच्चम कह रहे हैं सर दिमाग घूम गया, कोई बात नहीं, अभी बहुत आसानी से बता सकता हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी या लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी हम यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसीलिए तो ये लॉ बने हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी, ठीक है ना, लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ जरा प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, यहां पर ध्यान से समझना चीजों को, हम क्या करेंगे, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, बॉक्स सेलेक्ट किया हमने, और उसके बाद हमने फिर क्या किया, बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद पहले हमने बॉक्स सेलेक्ट किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया यहां पर, फिर हम इसकी तरफ पहुंचे, फिर हमने बॉल एक निकाली यहां पर, है ना, ऐसे ही करेंगे ना, पहले हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे फिर रेड बॉल निकालेंगे, ये पक्की बात है ना कि बॉक्स, तो वो बॉक्स फर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, या बॉक्स फर्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकाली, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, फॉर्मूले वगैरह की तरफ नहीं जाना है, अगर हम प्रोबेबिलिटी को भी एक तरफ धक्का मार के कर देते हैं, अगर आपके पास तीन बॉक्स हो और उसमें से एक रेड बॉल आपको निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, पहले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे उसके बाद रेड बॉल निकालेंगे, भाई कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज है नहीं, मैं आराम से इसीलिए चीजें बता रहा हूं, और प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताते जाइएगा, ठीक है ना, या तो ये पॉसिबिलिटी भाई हमने बॉक्स सेलेक्ट किया उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकाली, यहां से रेड बॉल हमारी यहां पर निकालनी है, ठीक है ना, इसको रिजल्ट बोलेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, हम आपको फिर बता रहे हैं कि हमने बॉक्स सेकंड सेलेक्ट किया, ठीक है ना, और उसके बाद जो है बॉक्स सेकंड सेलेक्ट करने के बाद हमने उसमें से रेड बॉल निकाली, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस रेड बॉल निकाली, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा यहां पर चीजों के लिए कि हम बॉक्स थर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, बॉक्स थर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो रेड बॉल निकालेंगे, ठीक है ना, ये तीन पॉसिबिलिटीज है हमारी, हम इस तरह से काम करेंगे, बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है, यहां ध्यान रखना, ठीक है ना, बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है, जैसे तीन बॉक्स हैं, पहला बॉक्स अगर हम सिलेक्ट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, दूसरा बॉक्स सिलेक्ट करेंगे इसकी भी 1/3, तीसरा बॉक्स सिलेक्ट करेंगे तीसरी, भाई बॉक्स रखे हुए हैं तीन बॉक्स हैं, है ना, पहला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे उसके फेवरेबल में तो एक ही बॉक्स होगा ना, और टोटल बॉक्स कितने हैं 3, तो 1/3 हो गया, ये बात समझ में आ रही ना, दूसरा बॉक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा बॉक्स तो उसके फेवर में तो वही वाला बॉक्स होगा, कि जब वो वाला बॉक्स मिलेगा हमें तभी भाई हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, उसी बॉक्स को सिलेक्ट करना, और टोटल बॉक्स कितने 3, तो 1/3, तो ईच बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ये बात बेटा आपको समझ में आ रही है, है ना, अब अगर हम इस बॉक्स से, ठीक है ना, अगर हम रेड बॉल निकालें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड बॉल कितनी है 6 और ये कितनी है 8, ठीक है, इसमें से अगर रेड बॉल निकाली तो 3/8, है ना, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो 7 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है 7/8, क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही ना, पहले हमने बॉक्स सेलेक्ट किया उसके बाद रेड बॉल जब निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो ये होने वाली है 6/8 बॉक्स फर्स्ट से, ठीक है, सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले बॉक्स सेलेक्ट किया उसके बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है, अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं यहां पर तो यहां से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है 7/8, क्लियर है ना पॉइंट ये बेटा, क्लियर है या नहीं है, अच्छा इसके साथ साथ बहुत धीमे से बहुत प्यार से समझो, हर स्टेप को समझते हुए चलेगा, कहीं कोई डाउट हो यहां पर मुझे बताएं आप, ठीक है, कहीं पर कोई डाउट है मुझे बताएं, ये पॉइंट अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे की तरफ चलूं, आगे क्वेश्चन लेकर चलूं बेटा, ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है ना पहले, अच्छा ये बात भी क्लियर है कि बॉक्स को सिलेक्ट करना और उसमें से बॉल निकालना है, ये दोनों इवेंट आप एक साथ कर रहे हो ना, बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं बॉक्स सिलेक्ट करके बैठ गए, उसमें से बॉल तो निकालनी पड़ेगी आपको रेड बॉल, तो बॉक्स सेलेक्ट करना और उसमें से रेड बॉल निकालना, ये दोनों इवेंट आप एक साथ कर रहे हो, तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों केसेस के लिए, मतलब इन दोनों को जब पहले बॉक्स सेलेक्ट करना उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू उसमें से रेड बॉल निकालना उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, और ये भी मैं आपको बता देता हूं प्लस का सिंबल तब लगता है ये होगा या ये होगा, जहां पर ऑप्शन होते हैं चॉइसेस होती हैं वहां पर प्लस लगता है, या आपके अंदर से एक आवाज आए ये होगा या ये होगा, ऐसी कोई आवाज निकल कर आ रही है वो कि ऑटोमेटिकली निकल कर आएगी बाय डिफॉल्ट आपके अंदर से, ठीक है ना, तो आप प्लस का सिंबल लगाइएगा प्रोबेबिलिटी में, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना, ये मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, आगे हम चलते हैं, यहां पर हमने क्या कहा हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इस पर आते हैं, ठीक है, ये रेड बॉल इस पर हम काम करना स्टार्ट करें, तो हमने क्या कहा इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं हम, यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, हमने कहा जी भाई पहले हमने बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 6/8, यही हुआ ना भाई, और ये दोनों काम आप एक साथ करेंगे यहां पर, इस बात का भी ध्यान रखिएगा ये दोनों काम आप एक साथ करने वाले हैं, इसीलिए इनटू का साइन आएगा यहां पर, ठीक है ना, फिर से लिख रहा हूं 1/3 पहले बॉक्स और फिर उसमें से 6/8, क्लियर है ना, या क्या होने वाला है हम आपको बताएं, प्लस का सिंबल लगाया, सेकंड बॉक्स सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 6/8, या तीसरा बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और उसके अंदर रेड बॉल, क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ कर रहे हैं 7/8, क्या प्यारे बच्चों हम ये लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो मुझे बताइए यहां पर, दैट पॉइंट इज क्लियर और नॉट, यानी कि बॉक्स को सिलेक्ट करना और उसमें से बॉल निकालना, बोथ इवेंट्स हैपेंड साइमल्टेनियसली, सो दैट्स व्हाई इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हम इनटू का साइन लगाएंगे, और ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो प्लस का सिंबल आएगा,
ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। मैं देखो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता, लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों की तरफ लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 24 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 6 + 3 + 7 9, 7 यानी 16/24, ठीक है ना, और 8 × 2 = 16, 2/3, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। तो जो रेड वॉल की प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो ये आने वाली है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब चीजों को जरा समझिएगा, है ना, चीजों को जरा समझिएगा। हम कब, जब हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगाते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, सारी की सारी चीजें और सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। बट उससे पहले प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट करके आप लोग अगर बता पाए, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका क्लियर है या नहीं है। मैंने कुछ नया नहीं बताया, जब तीनों बॉक्स हमारे पास हैं तो पहले हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर से रेड बॉल निकालेंगे। बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट किया, उसके अंदर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी फिर रेड बॉल निकाली हमने, या बॉक्स सेकंड सेलेक्ट किया हमने फिर उसके अंदर से रेड बॉल निकाली, या बॉक्स थर्ड, ये बस आपके पास केसेस बन जाएंगे। जब हमारे पास बॉक्स एक ही था तो बॉक्स सेलेक्ट करने की बात ही नहीं थी, जो कुछ होगा भाई इसी में से निकालो और खत्म हो गई बात, ठीक है ना। वहां पर बॉक्स सेलेक्ट करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास बॉक्स ही एक है तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे, ठीक है। तो वहां पर इस तरह के केसेस नहीं बनते थे, लेकिन मोर देन वन बॉक्सेस होंगे तो वहां पर इस तरह के केसेस बनेंगे हमारे, ठीक है ना। पॉइंट अगर क्लियर हो गया, अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। सच्चा राठौर जी बहुत बढ़िया एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आप बने हुए हैं। मैंने क्या करा है कि एग्जामिनेशन में करने के लिए चीजों को, ठीक है ना, यहां पर होता क्या है कि जो आपको फाइंड आउट करना, जो रिजल्ट है, ठीक है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये प्रोबेबिलिटी पर पहुंचने से पहले हमें, ठीक है ना, जो यहां पर बीच रास्ते में ये बॉक्सेस पड़ रहे हैं, ठीक है ना, बीच रास्ते में, यानी रेड वॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट रेड वॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, यहां पर पहुंचने से पहले आपको ये वाला जो बाधा है, ठीक है ना, ये हर्डल्स जो बने हुए हैं इनको क्रॉस करना है, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी अगर पूछी गई है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इवेंट, ठीक है ना, वो डायरेक्टली हम वहां तक नहीं पहुंच रहे, उसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस जो दे रखे हैं, भाई रेड बॉल तक हम पहुंचेंगे बट उससे पहले हमें बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, यानी बीच में जो चीजें इवेंट मतलब हैपेंड हो रही है, ठीक है ना, वहां से होकर अगर हमें रिजल्ट तक पहुंचना पड़े तो समझ जाइएगा कि हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। बट सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि व्हेन वी यूज, ठीक है ना, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगाना है। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैंने यहां पर जो फाइनल चीज है, ठीक है ना, जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट, मैंने यहां पर एक नाम दिया वहां पर रिजल्ट, उस रिजल्ट पर पहुंचने से पहले आपको बीच में जो चीजें हो रही हैं वहां से होकर अगर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, वहां से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, ये तो होगा बट बीच में कुछ चीजें होंगी, या तो ये होगा तभी ये होगा, या ये होगा तभी ये होगा। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आनी चाहिए, इट मींस दिस इज अ केस ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का केस होगा। इस बात को आपको समझना है पहली चीज। अभी हम एग्जाम्पल भी कराएंगे, ठीक है ना। यहां पर सपोज दैट, यहां पर बॉक्स फर्स्ट को सिलेक्ट करने की जो इवेंट है उसको हम सपोज दैट E1 नाम दे रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, PE1 हो जाएगी। मैंने कहा है कि अगर बॉक्स फर्स्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो इसको मैंने नाम दिया यहां पर E1, ठीक है ना। बॉक्स सेकंड को सिलेक्ट करने की इवेंट जो है वो E2 नाम दी, और यहां पर E3 नाम दिया। तो यहां पर ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, दैट इज PE1, ठीक है ना, ये PE2। अभी देखिए फॉर्मूला भी हम यहीं से बना देंगे, और ये हमारा PE3, ठीक है ना, PE3 यहीं से अभी हम फॉर्मूला भी बनाने वाले हैं, ठीक है ना। यस और नो, यहां पर जो 6/8 है, इस 6/8 को हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, 6/8 को बोलेंगे कि भाई ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट है तो PA/E1 बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, A/E1, क्योंकि आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो है, ये PA तो है नो डाउट, लेकिन बॉक्स फर्स्ट, यानी ये आपको पता था पहले से कि बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद रेड बॉल निकाली, तो ये कंडीशनल हो जाएगी। यानी जो बॉक्स फर्स्ट को सिलेक्ट करने की इवेंट थी E1, ये अकर्ड है, यानी पहले से हो चुकी है, तो ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी हुई या नहीं हुई बच्चों? तो वी कैन राइट PA/E1, हम यहां पर PA/E1 लिखेंगे, इसको ध्यान रखना। इन अ सिमिलर वे, ये हमारा हो जाएगा PA/E2, और इसी तरह से ये हो जाएगा PA/E3। अब अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना, फॉर्मूला हमें निकालना है पी, और रेड बॉल की जो प्रॉबर्टी है उसको मैंने नाम दिया यहां पर ए नाम देते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो आपका रेड बॉल की प्रॉबर्टी है इसको नाम दिया हमने क्या, ए, ठीक है ना, ए रेड बॉल, ड्रॉन अ रेड बॉल, ठीक है ना, इसको हमने ए नाम दिया। तो हमें पी ए अगर निकालना है, तो देखिए यहां पर जरा आपने क्या किया, 1/3 लिखा हुआ ना, 1/3 को हम PE1 लिख सकते हैं,
फिर उसके बाद पी ए अपॉन ई वन आया। ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही पूछ लीजिए। यहाँ पर जो सिक्स अपॉन एट है वो क्या है हमारा, ए अपॉन ई वन, फिर प्लस वन अपॉन ई थ्रू, और फिर वन अपॉन थ्री का मतलब ये पी ए पी ई टू लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पी ई टू, ठीक है ना, फिर पी ए अपॉन ई टू, यानी कि देखिए जरा यहां पर कितना लिखा हुआ है, थ्री अपॉन एट, और थ्री अपॉन एट पी ए अपॉन ई टू है यहां पर, ठीक है। इसी तरह से हम यहां पर पी ई थ्री, ठीक है ना, वन अपॉन थ्री जो तीसरा वाला आपका है ये वन अपॉन थ्री, और सेवन अपॉन एट का मतलब पी ए अपॉन ई थ्री, ठीक है, पी ए अपॉन ई थ्री। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए, ठीक है ना, यही हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, दिस फॉर्मूला इज नॉन एज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला हमारा जो है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है ना। यहां पर इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर जस्ट अ मिनट बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, और इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ कि हम एक ही प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं पी ए, लेकिन पहले हम ई वन पर पहुंचे, है ना, ई वन पर पहुंचे, यानी कि हम जो ए तक पहुंचने से पहले हमें ई वन होगा, फिर उसके बाद ए होगा, ई टू होगा, फिर ए होगा आपका, ठीक है ना, पी ए अपॉन ई टू जिसको बोलेंगे, ई थ्री होगा, यानी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले हमें बीच में, ठीक है ना, जो चीजें हैं उनको देखना पड़ रहा है, उनके ऑप्शन चूज करने पड़ रहे हैं, वो चीजें बीच में हो रही हैं, उसके बाद हम ए तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसी चीज को हमने कैसे लिखा है कि भाई ए तक पहुंचने से पहले हमें ईवन ई टू ई थ्री ये इवेंट हैवेंट होंगी, ईवन होने के बाद अगर ए होगी तो वी कैन राइट पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, फिर इसी तरह से पी ई टू होगी ऑप्शनल है तो प्लस का सिंबल लगेगा, पी ई टू फिर देन पी ए तो पी ए अपॉन ई टू हो जाएगी, फिर पी ई थ्री इसी तरह से अगर ए ई फोर भी है तो पी ई फोर इंटू पी ए अपॉन ई फोर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बस दिस रिजल्ट इज नॉन एज, ठीक है ना, दिस इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज, है ना, नॉन एज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाला हूं, ठीक है ना, अभी मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूं, ठीक है ना, वो आप समझेंगे यहां पर, ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसको ध्यान रखिएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही, बाकी अभी मैं क्वेश्चन भी करता हूं, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, क्लियर है ना पॉइंट बेटा, है ना, तो ये बढ़िया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी मैंने किया था यहां पर, ठीक है, लिखा हुआ बॉक्स फर्स्ट कंटेन्स फोर रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉक्स फर्स्ट, ठीक है ना, यहां पर बना ले रहे हैं, बॉक्स फर्स्ट है, इसमें क्या है फोर रेड और थ्री ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना, बॉक्स सेकंड में आपका बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है जो अभी हमने किया था, ठीक है, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, फाइव रेड और टू ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, बॉक्स थर्ड, ठीक है, बॉक्स थर्ड में आपकी यहां पर बॉक्स थर्ड भी है, बिल्कुल सिक्स रेड है, सिक्स रेड है और उसके बाद वन ब्लैक है, ठीक है ना, उसी तरह का क्वेश्चन है हमारा, ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा वैसे तो तरीका इसका ये है, है ना, वैसे तो ये चार्ट के थ्रू हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में सही तरीके से या प्रॉपर स्टेप्स के साथ बेटा क्वेश्चन हमें करना पड़ता है, ठीक है ना, सही स्टेप्स के साथ हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, तो मैं इसको बताता हूं आपको कैसे करना है, है ना। और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज रेड, है ना, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसको तो सबसे पहले हमने नाम दिया ए, ए बॉल इज रेड, पहली तो बात ये समझिए, और जो बॉक्सेस हैं, ठीक है ना, इसको हमने ईवन नाम दिया, बॉक्स फर्स्ट सिलेक्ट या चूज एक ही बात है, सिलेक्टेड, ठीक है ना, ई टू हमारा हो जाएगा बॉक्स सेकंड सिलेक्टेड, इसी तरह ई थ्री हमारा जो होगा प्यारे बच्चों वो बॉक्स थर्ड सिलेक्टेड, ठीक है, ये हमारा E1, E2, E3 हो गया हमारा ये, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको A बताया हमें, जो प्रॉब्लम बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर समझिएगा जरा यहां पर हम क्यों समझ पा रहे हैं या क्यों कह पा रहे हैं कि हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर देखिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें यहां पर, है ना, तो रेड बॉल के लिए हमारे पास तो तीन तीन बॉक्स दिए हुए हैं ना,
तीन तीन बॉक्स दिए हुए हैं, रेड बॉल पर पहुंचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बीच में जो प्रोसेस है ना, इससे होकर निकलना पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि ए तक पहुंचने से पहले या तो हमें ईवन होगा, यानी बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे देन ए, ठीक है ना, ई टू सेलेक्ट करेंगे देन ए, फिर ई थ्री सेलेक्ट करेंगे देन ए, यही होगा ना आपका। तो आप समझिए जो रिजल्ट है जिसकी प्रॉबिलिटी हमें निकालनी है उस पर जाने से पहले हमें क्या करना पड़ रहा है, बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उससे होकर गुजरना पड़ रहा है। यहां पर आपको ये फील आ जाना चाहिए कि हमें लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी यूज करना है प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी मुझे कमेंट करके यहां पर बताइए आप लोग जरा, ठीक है ना। यहां पर तो लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी क्या हुआ, हमें ए निकालना है तो इवन होगा पहले देन देन ए, ठीक है, तो पी ए अपॉन इवन लिखते हैं, फिर पी ई टू होगा प्यारे बच्चों यहां पर देन ए, तो ए अपॉन ई टू लिखेंगे, या फिर या लग रहा है ना तो प्लस का सिंबल, ई थ्री होगा हमारा देन ए, है ना, ए अपॉन ई थ्री, और ये सारी वैल्यूज है ना ध्यान रखिएगा, हम पहले से फाइंड आउट कर लें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ये सारी वैल्यूज निकालते हैं, तो पी ई वन यानी ई वन ई टू ई थ्री बॉक्स सेलेक्ट करने की जो प्रॉबिलिटी होगी है ना, तो बॉक्स तो एक ही जैसे है ना, इक्वली लाइकली होगा, तो ये ई थ्री वन अपॉन थ्री होने वाला है, ठीक है ना, तीन बॉक्स है तो इंडिविजुअल एक एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी वन अपॉन थ्री होने वाली है, यहां पर ये चीज समझनी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पी ए अपॉन ई वन की, ठीक है ना, पी ए अपॉन ई वन का मतलब बॉक्स फर्स्ट से रेड बॉल, तो रेड बॉल फोर एंड टोटल सेवन है, तो फोर अपॉन सेवन, ठीक है ना। इसी तरह से पी ए अपॉन ई टू की हम बात करते हैं, यहां पर रेड कितनी है, फाइव है भाई, और टोटल इसमें भी सेवन है, ठीक है, पी ए अपॉन ई थ्री की बात करते हैं, ठीक है, तो रेड कितनी हमारे पास सिक्स है और टोटल हमारे पास सेवन है, तो ये सेवन। अब ये सारी वैल्यू आप फ्रॉम फर्स्ट में पुट करिए यहां पर, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट देखिए जरा, तो यहां पर पी ए लेफ्ट में तो चल ही रहा है, पी ए पी ई वन यानी वन अपॉन थ्री और हमारी प्रॉबिलिटी है फोर अपॉन सेवन, ठीक है ना, फोर अपॉन सेवन, फिर पी ई टू वन अपॉन थ्री, फिर पी ए अपॉन ई टू फाइव अपॉन सेवन प्लस पी वन अपॉन थ्री और ये सिक्स अपॉन सेवन है, एलसीएम हमारा 21 हो जाएगा यहां पर, तो ये फोर, ठीक है ना, फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, फोर फाइव नाइन यानी फिफ्टीन अपॉन 21, तो 3, 5, 15 और अपॉन 7, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होना है, कोई भी डाउट है बच्चों बताएं आप लोग, ठीक है ना, क्लियर है ना पॉइंट ये बेटा यहां पर, ठीक है ना, ये समझ में आया ना कब लगाते हैं। एक और क्वेश्चन देखो अभी जरा, हम बेस थ्योरम अभी बताएंगे, बट बेस थ्योरम पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहां पर। ये सारे क्वेश्चन मुझे अभी जो है, एक आध क्वेश्चन दिया हुआ था, ये सारे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन हमें मिलेगा तो फिर हम उस पर भी चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी समझिए यहां पर जरा, कहीं कोई पॉइंट हो ऐसा, मतलब कहीं कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में आया हो तो बच्चों बताएं मुझे पहले यहां पर, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करते जाइए, मुझे यहां पर कमेंट करके आप लोग बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं ठीक तरह से चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। सक्षम राठौर जी अभी तो दिमाग नहीं घूम रहा है, ठीक है ना, अभी पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि नहीं हो गया, सक्षम राठौर जी, है ना, जल्दी से मुझे बताएं बेटा यहां पर, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं चीजों को। बेस थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका बेस थ्योरम, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सत्यम राठौर जी रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी और बच्चे जो भी यहाँ पर हैं वो भी रिप्लाई करते रहे तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना, यहाँ पर बताते रहे। ये मैंने बहुत आसान, और अब बेस थ्योरम में क्या है कि थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझिए जरा, है ना, बेस थ्योरम में क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी हम कल लेकर आएंगे चीजों को। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को समझिए जरा, ये पूरा क्वेश्चन वही लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है जो अभी ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन, देखिए मैंने वही लिखा हुआ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज करा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आपको बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस समझ में आए, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहां पर देखिए जरा, यहां पर दिया हुआ है कि ए बॉक्स फर्स्ट कंटेंस फोर रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल्स, बॉक्स सेकंड वही आपका लिखा हुआ बॉक्स थर्ड कंटेंस, ठीक है। अब इन्होंने बोला ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी रेड, है ना, देखिए जरा, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, ठीक है ना, ये देखिए जरा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार है। आप पहले ये देखिए डिफरेंस इसमें क्या हुआ है कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें इन्होंने कहा था आपसे, देखिए जरा, वही सब कुछ दे रखा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, एक बॉल निकाली और हमसे कह दिया सीधा सीधा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो,
बॉल निकाली और सीधा सीधा बोल दिया कि रेड बॉल की प्रॉबिलिटी निकालो। इसमें क्या हुआ, इसमें बेस थ्योरम में क्या हुआ, बेस थ्योरम में ये बोल रहे हैं आपसे एक बॉल निकाली और वो रेड है, ये बता दिया है आपको, ठीक है ना, ड्रॉन बॉल इज रेड, ये बता दिया आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि देखिए दोनों में अंतर है, इन्होंने इस बार बॉक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ ली है कि बॉक्स फर्स्ट से रेड बॉल निकाली गई है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कैन यू फील दैट कि इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, ठीक है ना, बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या आप इस बात को फील कर पा रहे यार, यार हाँ ये तो चीज चेंज हुई है, इन्होंने जो बॉल निकाली है वो रेड दे दी है, ये बोल दिया कि जो ड्रॉन बॉल है वो रेड है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आपने बॉल निकाली है जो रेड है वो बॉक्स फर्स्ट से निकल कर आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपसे पूछा गया है यहां पर। तो ये बात तो आप समझ पा रहे कि हाँ यार ये तो डिफरेंट चीज हो गई है ना, मिलती जुलती चीजें हैं बट यहां पर तो डिफरेंस आप सब समझ में आ रहा है ना, मिलती जुलती चीजें हैं यहां पर तो डिफरेंस सीधा समझ में आ रहा है। तो इसको भी हम बड़ी आसानी से बहुत प्यार से, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं सिखवाऊंगा, आप जब आप बुक्स में पढ़ेंगे ये सारी की सारी चीजें ना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहां पर हम आपको बहुत आसान भाषा में, मैंने कोई डेरिवेशन नहीं कराया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल से, ठीक है ना, जो रिजल्ट मिला दैट इज सीधा सीधा बोल दिया कि ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैंने कोई डेरिवेशन नहीं कराया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव और ये सब कुछ लिखा हूं, कुछ भी नहीं लिखवाया मैंने, ठीक है, आगे चलकर हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बेस थ्योरम की भी अगर हम बात करेंगे बहुत प्यार से आपको हम समझा देंगे, आपको पता भी लगेगा कि यार ये तो हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है, बड़ी आसानी से फॉर्मूला बन गया, ये भी मैं बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा, लेकिन ये टू भी कंटिन्यूड है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:45 का समय हो रहा है, ठीक है ना, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी, है ना, मैं समझ सकता हूं। हम लोग अब कल डिस्कस, कल सैटरडे है, कल ऑफ रहेगा, मंडे को प्यारे बच्चों बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन ना यूं उड़ाने वाला हूं बहुत आसानी से, ठीक है ना, ठीक है ना शिवराज, अभी अभी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसी चीज को ना, अभी पूछ रहे हैं शिवराज, कह रहे हैं कि समझ में कम आया, कोई बात नहीं, पहले तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, है ना, और अपने डाउट्स ना, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पेन और पेपर लेके ना आप कॉपी पर लिखकर देखिए, ठीक है ना, मैं फिर बात बता रहा हूँ आपको, पेन और पेपर पे लिखकर भेजिएगा, सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप ये सारी के सारे पॉइंट डिस्कस करिएगा, क्योंकि जब आप खुद से समझने का प्रयास करेंगे ना चीजों को, ठीक है ना, तो फिर जो आपके डाउट जनरेट होंगे और जब वो आप हमसे पूछेंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक तरीके से आएगा या फिर थोड़ा सा क्लियर होगा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो रिकॉर्डेड सेशन आप लोग ये देखिएगा, बाकी हम लोग मंडे को नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं आपसे, और क्वेश्चन जब हम कराएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं शिवराज, जब हम इसके क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आसान कोई क्वेश्चन लगने वाले नहीं है, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है, ठीक है ना, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे आसान चीजें वही लगने वाली हैं बच्चों, ठीक है, तो अभी मैं सेशन यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, टाइम काफी हो गया, और बाकी हम फिर मिलते हैं मंडे के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों एंड गुड नाइट, और तब तक आप लोग इसको रिकॉर्डेड सेशन आप लोग देखिए, ठीक है ना, रिकॉर्डेड सेशन देखिए, वहां से चीजें और क्लियर होंगी, थैंक यू बच्चों।